हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं एलविश यादव की। तो दोस्तों, एलविश यादव का एक और लफड़ा हो चुका है, और अब की बार उनका लफड़ा हुआ है रेंटिंग गोला के साथ। तो रेंटिंग गोला एक फीमेल इन्फ्लुएंसर है जो पॉलिटिक्स के रिलेटेड वीडियो बनाती है, और वो ज्यादातर अपनी वीडियो में बीजेपी को टारगेट करती है और मोदी जी को टारगेट करती है। मतलब दोस्तों, वो अपनी वीडियोज में ज्यादातर मोदी जी को पोक और रोस्ट करती हुई नजर आती है। तो होता यह है कि रेंटिंग गोला का ट्विटर पे एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था, और वहां पे उस वीडियो में वो मोदी जी का मजाक उड़ाती हुई नजर आ रही थी। तो पहले आप वो वीडियो देखो। मित्रों, दिल्ली में बरसात हो रही है, तो रिमाइंडर देना था कि नई संसद बिल्डिंग में नीले रंग की बाल्टी रखवा देना। तो इसी वाली वीडियो को शेयर करते हुए रेंटिंग गोयला ने ट्वीट करा था और लिखा था, जस्ट सेइंग इट इज रेनिंग, बाल्टी रखवा दो, पाओ पाओ। तो हमें रेंटिंग गोयला की इस वीडियो का एलविश यादव की तरफ से भी रिप्लाई देखने को मिलता है। तो वो रिप्लाई करते हैं, आई सपोर्ट LGBTQ। तो आप समझ ही गए होंगे दोस्तों कि एलविश यादव क्या कहना चाहते हैं इनको। और तो और दोस्तों, एलविश यादव के इस रिप्लाई के बाद रेंटिंग गोयला ने एलविश यादव का रिप्लाई करा था, और वो लिखती है, ईडी ने तुझे खुला छोड़ दिया। तो दोस्तों, लफड़ों की बात कर रहे हैं तो रैपर किंग और एमी वे बंटाई के बीच में भी लफड़ा हो चुका है। और तो दोस्तों, जो एमवे बंटाए हैं वो तो किंग के ऊपर डिस ट्रैक तक निकालने वाले हैं। तो होता है ऐसा है, एमवे बंटाए ने सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर ये फोटो डाली, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है रोको। और तो एमवे बंटाए ने बहुत बड़ा हिंट दिया कि वो रैपर किंग के ऊपर बहुत ही जल्द एक डिस ट्रैक लाने वाले हैं। और दोस्तों, एमवे बंटाए ने इस फोटो को दोबारा शेयर करा और नीचे हैशटैग लिखा, फ्लश व्हाट दे से। तो दोस्तों, एमवे बंटाए ने अपनी तरफ से बीफ वॉर चालू कर दी है, और हमें बहुत ही जल्द किंग के ऊपर ट्रैक देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, फाइनली किंग की तरफ से भी हमें रिएक्शन देखने को मिल गया है इस नए लफड़े के ऊपर। तो उन्होंने सबसे पहले इंस्टाग्राम के थ्रेड में ये लिखा, हा हा हा, कोई बहुत बड़ी गलती करने वाला है। और तो दोस्तों, किंग इस चीज का रिप्लाई करते हुए अपने इंस्टाग्राम की पोस्ट में ये लिखते हैं, हैशटैग व्हाट दे से, ईट दैट पिल एंड हैशटैग फ्लश एनीवे, स्टॉप प्लेइंग विक्टिम कार्ड ऑफ वन वर्सेस ऑल, आई गॉड से गिव सम रियल आर्ट दैट पीपल कैन विद अ लॉन्ग वे, ट्राई टू स्टे रिलेवेंट विद नॉनसेंस एवरी टाइम, नेवर गोना गिव यू अ ब्राइटर डे। तो दोस्तों, हमें इन दोनों के पीछे बहुत बड़ा लफड़ा देखने को मिल सकता है आने वाले समय में, और हमें एमवे बंटाई की तरफ से जब भी किंग के ऊपर डिसलाइक देखने को मिलेगा, तो हमें किंग की तरह से भी कुछ बढ़िया देखने को मिल सकता है एमवे बंटाई के ऊपर। और तोड़ दोस्तों, हमें इस कंट्रोवर्सी में फिंग का रिएक्शन देखने को मिल गया, और उन्होंने बहुत ही गंदा रोच कर दिया एमवे बंटाए को। तो वो क्या कहते हैं जरा देखिए। स्टैन वाला तो समझ ही नहीं आ रहा मेरे को, स्टैन वाला तो समझ ही नहीं आ रहा, किंग वाला तब भी आ गया था। और पता है किंग किंग कैसे जीत गया भाई यहाँ पे? क्योंकि उसने इंग्लिश में चार लाइनें बोल दी भाई। अब किंग को हराने के लिए एमवे को चार लाइनें बोलनी पड़ेंगी इंग्लिश में, और एमवे जब इंग्लिश डाल देता है गाने में तो भैंड फिर तो रॉन्ग ही हो जाता है ना, फिर यू 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 हो जाता है बहुत जोर से। बट ठीक है, ठीक है यार। तो बात करते हैं दोस्तों बांग्लादेशी करंट सिचुएशन के बारे में। तो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया दिया था कि बांग्लादेश में अभी क्या हाल चल रहे हैं, वहाँ के हिंदूज के ऊपर क्या अत्याचार करा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और इस पे बहुत सारे लोग आवाज भी उठा रहे हैं। पर जो बॉलीवुड एक्टर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो पहले चीन को भर भर के सपोर्ट कर रहे थे, पर अब जब बात हिंदूज पे आई तो उनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल रहा, ना वो कुछ पोस्ट कर रहे, ना कुछ वो ट्वीट कर रहे। तो इन सब चीजों पर लक्ष्य चौधरी के दोस्त हर्ष ढाका ने एक रील अपलोड करी, और वहां पे उन्होंने इन जैसे लोगों को पूरा एक्सपोज करके रख दिया। तो वो क्या कहते हैं जरा देखिए। आपको याद होगा जब सारे सेलेब्स ने ऑल आइज ऑन नाफा की स्टोरी शेयर की हुई थी, लेकिन आज जब बांग्लादेश में हिंदूज को खुलेआम मारा जा रहा है तो इस बारे में कोई बात करते हुए नहीं दिखेगा। इसको कहते हैं सेलेक्टिव एक्टिविज्म, जो कि फाइनेंशियल और पर्सनल बेनिफिट्स के लिए किया जाता है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के रिजाइन करने के बाद वहाँ वॉयलेंट प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गए, और हिंदुओं को उनके घरों में घुसकर मारा जाने लगा, उनके बिजनेसेस और दुकानों को जलाया जाने लगा, साथ ही में हिंदू टेम्पल्स पे भी अटैक्स किए जा रहे हैं। ये बांग्लादेश के इस्कॉन टेम्पल की एक फोटो सामने आई है, जहां इन्होंने पूरे टेम्पल को जला दिया है। एक जर्नलिस्ट प्रदीप कुमार भौमिक को बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सपोर्टर्स ने मार दिया है, लेकिन एक्स पे अभी भी कुछ प्रोपेगेंडा अकाउंट्स इन पूरे इंसिडेंट्स को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और दिखा रहे हैं कि बांग्लादेश में सिचुएशन कितनी न्यूट्रल है। लेकिन बांग्लादेश में जो हिंदूज हैं वो खुद सोशल मीडिया पे आकर इन चीजों को कंफर्म कर रहे हैं। सो शेयर दिस वीडियो, क्योंकि इस बार आपके फेवरेट सेलिब्रिटी को तो फंड नहीं मिला, तो वो तो नहीं करने वाले, एंड इस चीज का पूरा एक डिटेल एनालिसिस हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। और दोस्तों,
मैक्सन ने बांग्लादेश की सिचुएशन के ऊपर एक वीडियो बनाई और उन्होंने सारी बातें बताई कि क्या हो रहा है वहाँ के हिंदुओं के साथ, क्या सच है क्या गलत। जरा देखिए कि मैक्सन ने क्या कहा। क्या बांग्लादेश में हिंदू परिवारों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं? अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये फेक है, कुछ फोटोज पोस्ट कर रहे हैं जहाँ पे ये दिखाया जा रहा है मुस्लिम लोग यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं मंदिरों को, पर ये प्रोटेक्ट कर किससे रहे हैं? और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी आ रही है जहाँ पे हिंदू परिवारों के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, उनके घर में किसी तरीके से घुसने की कोशिश की जा रही है। अगर दोनों पक्षों को ध्यान से देखें तो जो पक्ष यहाँ पे विरोध कर रहा है हिंदू परिवार पे हमले होने को लेकर वो सिर्फ फोटो डाल रहा है, और जो लोग कह रहे हैं हिंदू परिवारों पे हमले हो रहे हैं वो एक्चुअली में वीडियो डाल रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है बांग्लादेश की सिचुएशन के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो दोस्तों अब बात करते हैं एलवी यादव और सना मकबूल की। तो आपको याद होगा जब सना मकबूल बिग बॉस के घर के अंदर गई थी तो जब एलवी यादव ने ब्लॉग में बोला था कि अगर लव कटारिया नहीं जीतता बिग बॉस तो सना मकबूल जीतेगी क्योंकि मुझे उसके अंदर विनर वाली क्वालिटी दिखती है। तो दोस्तों जब सना मकबूल बाहर आई बिग बॉस के घर से और जब उन्होंने एलवी यादव की ये वाली स्टेटमेंट देखी तो उनका रिप्लाई आ गया। तो उन्होंने क्या कहा एलवी यादव के बारे में जरा देखिए। लवकेश के फ्रेंड है एंड ट्रस्ट मी ही इज अ स्वीट हार्ट। सो आई थिंक मैं जब बाहर आई थी मैंने उनके थोड़े बहुत रील्स देखे थे एंड आई एम सो इम्प्रेस्ड लाइक ही सेड कि जब वो बंदी अंदर गई थी मैंने पहले दिन से बोला था कि सना मकबूल में वो विनर वाली क्वालिटीज है। सो एलवेश थैंक यू सो मच। हम जानते नहीं एक दूसरे को। आपकी बात नहीं हुई उनसे? अभी हुई है ऑफ कोर्स बिकॉज यू नो वो लवकेश की फ्रेंड है बट वो मुझे जानते नहीं थे। यू नो मैं किसी उन्होंने क्या बोला, क्या रिएक्शन था? नथिंग, ही जस्ट टोल्ड मी ही सेड तू मेरा व्लॉग देखना। यू नो मैंने डे वन से प्रेडिक्ट किया था। सो एलविश के सारे फैंस को मैं ये बोलूंगी कि थैंक यू आपने मुझे इतना सपोर्ट किया एंड ही सेड दैट इज कि लवकेश निकल गया बट हमारा पूरा सपोर्ट तेरे लिए। सो आई थिंक मैं उसके लिए बहुत। तो दोस्तों अब बात करते हैं कीर्ति मेहरा की। तो कीर्ति मेहरा के साथ एक बहुत फनी इंसिडेंट हो गया, तो वो क्या है जरा देखिए। हमारी गाड़ी की नंबर प्लेट निकाल के ले गया कोई, क्या था पीछे की छोड़ दी। पीछे की क्यों छोड़ दी भाई, इसका उसका भी पेट चेक कर लेता, ये आगे से नंबर भी लिखा है। वाह भाई वाह भाई, गुड गुड बॉयज हैं जो भी हैं ये जिन्होंने भी